सर से मिलने आए थे, जो आप तो पिछले दो दिनों से देख ही रहे हो, जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है टीचर फैटर्निटी का, ये जो ट्रांसफ़र हुई है बिल्कुल नाम्स को साइडलाइन करके ट्रांसफर की, या पिक एंड चूज पॉलिसी जिसमें अप्लाई की गई है। आपके पास तो सारा ब्रीफ है, ब्रीफ में आप इतना बता आपको बताना चाहूँ, हमारी जो डिमांड्स है, जनरल डिमांड जो सर से भी हमने कन्फर्म की, कि इस लिस्ट को क्वैश किया जाए, दोबारा से कमेटी को फ्रेम किया जाए, उसके बाद जो डायरेक्टेड ऑफिस ने जो गाइडलाइंस रखी हैं उन गाइडलाइंस को सामने रख के जिसका जहां मेरिट बनता है उसको ट्रांसफ़र किया जाए, मेरिट के बेस पे ये पिक एंड चूज़ वाली पॉलिसी अप्लाई नहीं की जाए, ये हमारा क्लियर इनसे रिक्वेस्ट है। हमारे वर्दी सी हमें पता सीओ साहब की गलती नहीं है, सीओ साहब से मिले हैं, वो ऑनेस्ट है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे हमें शक नहीं है। हाँ, जैसे भी हुआ है ये गलती से हुआ है, किसी एक इंडिविजुअल की गलती से हुआ या बाई मिस्टेक हुआ है, बस इसको रेक्टिफाई किया जाए। इस लिस्ट में इतने फ्लॉज हैं आप गिन गिन के थक जाएंगे, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको क्वेश्चन करके दोबारा से कमेटी बना के इसको अच्छे से इस पर काम किया जाए। किस तरह का आश्वासन आपको दिया जाए? डी डी सी अशफाक साहब ने, जो डी सी वाइस चेयरमैन ने हमें कहा कि हम बात करेंगे हायर अथॉरिटी से, सी ओ साहब से, तो डेफिनेटली आपकी जो भी है आपकी ग्रेवेंस उसको सुना जाएगा। हाँ, एक चीज़ में और क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें जो 10% मान के चले 10% से कम नहीं ट्रांसफर्स जेन्युइन हुई हैं, जैसे हमारे कुछ साथी फार फ्लंग एरिया से उनको सॉफ्ट पोजीशंस मिली हैं, सॉफ्ट मतलब पोस्टिंग्स मिली हैं, उन लोगों के माइंड्स में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, हम उनको टारगेट, हमें उनसे कोई इशू नहीं है। इवन हम सीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कुछ ये जो लोग हैं जिनकी जेन्युइन ट्रांसफ़र हुई है इसमें, उनको आप दोबारा नई लिस्ट में वैसी जो आपने अभी पोस्टिंग दी वापस यही पोस्टिंग दे सकते हो आप, क्यों? हम जानते हैं वो हार्ड जोन से, कोई सावजियाँ से आया, कोई लोरन से आया है, कोई कहीं से आया है, अगर उनको आप हाई सेकेंडरी देते हो या प्राणी पॉइंट देते हैं, हमें उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर वो उसमें मेरिट में फॉल कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप उनको दे रहे, उनको जेन्युइन दिया जाए, उनके मतलब कंसिडर किया जाए, लेकिन जो हमारी डिमांड से जनमन हमारी ग्रीवेंस है उनको भी एड्रेस किया जाए। अगर आपकी डिमांड नहीं मानेंगे तो अभी तो आश्वासन ऐसा नहीं लग रहा, वो नहीं मानेंगे, सीओ सब से भी हम मिले, डीडीसी वाइस चेयरमैन से भी मिले, तो हमने उनने सब ने यही हमें आश्वासन दिया कि हाँ हम इस पे देखेंगे, नहीं मानेंगे हम दोबारा से रिक्वेस्ट ही कर, टीचर फंड हम और क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे, अपना प्रोटेस्ट दायर करेंगे, दोबारा सीओ ऑफिसर से मिलेंगे, तो यही तरीका हमारा रहेगा। हाँ, जहाँ तक ऑब्जेक्शन अभी तक 190 ट्रांसफर्स में से 150 के आसपास की शायद ऑब्जेक्शन सीओ ऑफिस में पहुँच चुकी हैं, मोर देन 50% ऑब्जेक्शन आ चुकी हैं, तो मुझे नहीं लगता अब इस लिस्ट में कोई खास बचा है, तो बस हमारी यही डिमांड रहेगी, आप प्लीज़ इसको ईगो पे ना लें, जनमन रूल्स को बिल्कुल नॉर्म्स को फॉलो किया जाए, जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करके जनमन ट्रांसफ़र की जाए, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और रोटेशन बेस पे एक बंदा 20 साल से सिटी में ही घूम रहा है, उसको वहीं पे घुमा रहे हो लार बार, उसको वापस नहीं भेज रहे हो आप, उसको दूसरे वाले को भी मौका देना चाहिए। और जो हमेशा पॉलिसी ट्रांसफ़र की होती टॉप टू बॉटम आना चाहिए, बॉटम टू टॉप आप जा रहे हो, जो 10 साल से एक स्कूल में बैठा हुआ वहाँ से 3 साल वाले को आप उठा रहे हो, उसको क्यों नहीं उठा रहे 10 साल वाले को, 4 साल 5 साल 6 साल वाले को क्यों नहीं उठा रहे हो, तो सबसे ऊपर वाले को उठाओ ना, उसके बाद आओ तो 3 साल वाले उसको भी उठाओ। तो अगर मेरिट में मैं अपने लिए कहूँगा, अगर मेरिट में मैं फॉल कर रहा हूँ तो मुझे ट्रांसफर। देखो जी, टीचरों का वाकई जैसे उन्होंने मुझे बताया हुआ अपना रिप्रेजेंटेशन दिए है, उसमें लग रहा है कि वैसे इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो चीफ एजुकेशन अफसर हमारे पहुँच के हैं वो बड़े ईमानदार और इंसाफ वाले बंदे हैं, और मुझे लगता है जो कमेटी का नाम लिया है इन्होंने उनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ थोड़ी भूल चूक हुई है उनसे, तो आज सीओ साहब से भी मैंने बात की है और कमेटी से भी बात करके हम क्या करेंगे कि हो सकता है कुछ मेंबर जो उनमें से एडिशन डिलीशन करके कुछ एक दो बंदे उन्होंने नॉमिनेट किए, जैसे मैं भी वैसे बड़े अच्छे बंदे अनवर खान का नाम लिया, बहुत बढ़िया बंदा है वो भी, और कौंसिल के वैसे मुझे तो अच्छे ही लगे हैं बंदे, लेकिन चलो मिलजुल के मैं अपनी कौंसिल के हेड जो हैं चेयरमैन साहिबा और हम बैठ के इस मसले को सॉर्ट आउट करते हैं और इनका मसला जो हल करते हैं।